चार शादी कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, भेजा जेल। शादी.com एवं जीवनसाथी.com पर फर्जी आईडी बनाकर फंसाता था लड़कियों को। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद पीड़िता की हुई सुनवाई। आरोपी दरभंगा बिहार का रहने वाला, दिल्ली में करता था जॉब। जी हां, शादी.com एवं जीवनसाथी.com जैसे प्लेटफॉर्म जिनसे हजारों लोगों का भला हो रहा है और घर बस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ठग इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग जालसाजी और ठगी के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गंज वासुदा थाने में देखने को मिला, जिसमें चार शादी करने वाले एक आरोपी को नगर थाने की पुलिस ने दिल्ली थाने की अभिरक्षा से वासुदा थाने लेकर आई और न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पीड़ित युवती ने बताया कि युवक से उसका संपर्क शादी.com आईडी के माध्यम से हुआ था। युवक ने नहीं बताया कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और मेरे साथ फिर से एक बार शादी कर रहा है। फिलहाल युवक पुलिस की गिरफ्त में है, आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है और बिहार दरभंगा का रहने वाला है। वह अपने साथ फर्जी तलाक के दस्तावेज भी रखता है। इंडिया खबर लाइव की अपील, शादी जैसे पवित्र बंधन को दाग लगाने वाले इस प्रकार के तथाकथित लोगों से सावधान रहें। युवती और उनके परिजन। मध्य प्रदेश से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। से और कई माध्यम से शादियों के फर्जीवाड़े चल रहे हैं और आज एक मामला ऐसा ध्यान में आया है। क्या पूरा मामला है इस विषय में आप थोड़ा बताइए। इसमें गत दो माह पहले एक महिला ने थाने पर सिटी कोतवाली में रिपोर्ट की थी, जिसमें शादी.com के मार्फत उसका विवाह हुआ था, जो विदिशा में वासुदा में मील रोड मंदिर पर वो विवाह का आयोजन हुआ था, जिसके मुख्य स्रोत शादी.com था, जिसमें एक बिहार का आयुष उर्फ महासेठ बिहार का रहने वाला है जो वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहा है, उससे इनका विवाह हुआ था। उसके बाद में विवाह के चंद दिनों बाद ही इनको जानकारी मिली, पीड़िता को, जिन्होंने थाने में रिपोर्ट की थी, कि उसके दो विवाह पहले पूर्व में हो चुके हैं और एक विवाह इस विवाह के पश्चात हुआ है। जो भी बिहार की महिला है जिससे इन्होंने शादी.com के माध्यम से विवाह की है, इस तरह एक शादी.com से फर्जी आईडी से बनाकर वासुदा की निवासी महिला को भी फर्जी.com मैरिज से धोखाधड़ी की गई, जिस धारा 494 वगैरह का पंजीकृत किया गया था, जिस पर एक टीम ASI कौरव SC अकबर अली को दिल्ली भेजा गया था, जहाँ से आरोपी आयुष को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य कोई ऐसा प्रकरण भी उसने किसी महिला नारी के साथ न किया हो, इस हिसाब से उससे पूछताछ की गई है और वर्तमान में आज न्यायालय प्रस्तुत किए गए। इसमें प्रताड़ित और पीड़िता के लिए 498 के साथ साथ अन्य धाराएं भी दी गई हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता के तहत 494 420 की परिधि में आती है। 484 जो धारा है वो 420 के ही उसमें आती है, जो धारा का समावेश किया गया है और अभी इसको जांच में लेकर अगर अन्य कोई धारा भी बढ़ाई जा सकेगी तो पीड़िता के पक्ष में बढ़ाई जाएगी। क्या आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं? हाँ, उसमें आरोपी से पूछताछ जारी है और पूछताछ की जा रही है, उसके कथन भी लिए गए पूछताछ में, जिनमें कथनों के आधार पर और भी जाँच की जाएगी।